जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए आपको करने वाली छोटी छोटी चीजों में भी सफलता मिलती है। कभी हार मत मानो, सफलता तभी मिलती है जब आप पूरी तरह से लड़ते हो। आप जो करना चाहते हैं उसे करने का समय आज है, कल नहीं। जीत और हार सिर्फ एक ख्वाब होते हैं जो हमेशा आपके विचारों में होते हैं। आपकी मेहनत आपका भविष्य निर्धारित करती है। जीवन में सफल होने के लिए आपको पहले आपसे प्यार करना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। सफलता का सबसे बड़ा राज है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। समय बदलता है और आपको उसके साथ बदलना होगा। सफलता का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, मेहनत और उसे सही दिशा देना। सफलता के लिए दृढ़ता और समर्पण जरूरी होता है। संघर्ष से ही सफलता मिलती है। जो आज कुछ नहीं कर सकता वह कल नहीं कर पाएगा। सफलता का रहस्य यही है कि आप असफलता के बाद भी हार न माने। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास संभवतः सभी समस्याओं का समाधान होता है। सफलता के लिए न सिर्फ ज्ञान बल्कि विवेक और समझदारी भी जरूरी होती है। आपका सोचने का तरीका आपके भविष्य को निर्मित करता है। समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। जितनी देर तुम सोचोगे कि तुम यह कर सकते हो उससे अधिक समय में तुम उसे कर सकते हो। जीवन में सफलता उस इंसान की मुहर होती है जो नहीं हार मानता। तुम अपनी मेहनत से इतना डरो मत जितना असफलता से। तुम्हारे बदलाव तुम्हारे समय पर निर्भर करते हैं, नहीं तुम्हारी उम्र पर। जीत तो सिर्फ तब होती है जब आप हार मानते हो, फिर उठते हो और दोबारा कोशिश करते हो। जो असफलता से नहीं डरते वे हमेशा सफल होते हैं। आपकी मेहनत आपकी पूर्णता को बढ़ाती है। जीवन एक प्रतियोगिता है जो हमें नहीं हार मानने देती। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें उससे ज्यादा काबिल बनना होगा। जीतने के लिए तुम्हें सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना होगा और दूसरों के कहने पर ध्यान नहीं देना होगा। अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें सोचने से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता होगी। ज्ञान हमें शक्ति देता है जो असीमित होती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहिए। पढ़ाई एक अवसर है जिसका इस्तेमाल करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। जब तुम सीमित सोचते हो तब तुम सीमित होते हो, इसलिए हमेशा ज्यादा सोचो, ज्यादा पढ़ो। पढ़ाई करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि तुम उस पढ़ाई को अपने जीवन में उपयोग में लाने का अभ्यास करो। पढ़ाई में धैर्य रखो, सफलता जल्दी नहीं आती है, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे तो सफल हो जाओगे। अपनी पढ़ाई में लगाव रखो तब तुम सफलता को हासिल करोगे। जब तुम अध्ययन करते हो तो तुम सिर्फ एक पेंटिंग का वर्णन नहीं कर रहे हो बल्कि एक नई पेंटिंग बना रहे हो। पढ़ाई करने से सीखना शुरू होता है, सीखने से अनुभव होता है और अनुभव से अधिक सफलता होती है। जब तुम अपने आप पर विश्वास करते हो तो तुम किसी भी दुनिया के महत्वपूर्ण परीक्षणों से सफल हो सकते हो। परीक्षा जीवन का एक आवश्यक अंग है जो हमें अपनी क्षमता का अंदाजा लगाने की सही दिशा देता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल होते हो तब तुम नहीं सिर्फ उस परीक्षा में सफल होते हो बल्कि जीवन में भी सफल होते हो। परीक्षा नहीं दूसरों से बल्कि खुद से होती है, इसलिए तुम्हें अपने आप से जंग लड़नी होगी। परीक्षा सफलता के दरवाजे होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी मेहनत के आधार पर खोले जाते हैं। परीक्षा के बाद सफलता की मीठी खुशबू मिलती है जिसे तुम तो महसूस कर सकते हो लेकिन नहीं छू सकते। परीक्षा के बाद नतीजे की उत्सुकता नहीं बल्कि उससे सीखने वाले कारणों की उत्सुकता होनी चाहिए।
जब तुम परीक्षा में सफल होते हो तो तुम्हारी सफलता की क्षुधा नहीं बल्कि सफलता की अधिक क्षुधा उत्पन्न होती है जो तुम्हें और ऊंचाई की तरफ ले जाती है। परीक्षा का डर नहीं बल्कि डर का सामना करना होता है। जब तुम डर के सामने खड़े होते हो तब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो। परीक्षा के समय तुम्हें सिर्फ तुम्हारी मेहनत पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए न कि नतीजे पर। परीक्षा उस रास्ते का अंदाजा लगाने का एक मौका होती है जो तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए सही दिशा देती है। जीवन के सफर में विश्वास से हम जीत पाते हैं। शुभ प्रभात भाई, हमारी विरासत है संघर्ष और उत्साह जो हमें संभालने की शक्ति देते हैं। शुभ प्रभात भाई, संघर्ष सफलता का आधार है। यह मेहनत और दृढ़ता है जो महानता के लिए मार्ग बनाती है। संघर्ष सफलता का आधार है। यह मेहनत और दृढ़ता है जो महानता के लिए मार्ग बनाती है। जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें ऊपर और नीचे जाने के साथ साथ संघर्षों से भरा होता है। हम नीचे गिरते हैं तो उठने का अभ्यास करते हैं और मजबूत हो जाते हैं। जीवन एक रोलर कोस्टर की तरह है जिसमें ऊपर और नीचे जाने के साथ साथ संघर्षों से भरा होता है। हम नीचे गिरते हैं तो उठने का अभ्यास करते हैं और मजबूत हो जाते हैं। एक ही तरह से जैसे हम कोयले से ही एक हिम्मत वाली डायमंड बनता है, उसी तरह संघर्ष हमें मजबूत व्यक्ति बनाता है। एक ही तरह से जैसे हम कोयले से ही एक हिम्मत वाली डायमंड बनता है, उसी तरह संघर्ष हमें मजबूत व्यक्ति बनाता है। हमारे संघर्ष हमारी कमजोरी का संकेत नहीं है बल्कि हमारी असली ताकत का संकेत है। हमारे संघर्ष हमारी कमजोरी का संकेत नहीं है बल्कि हमारी असली ताकत का संकेत है। जो संघर्ष आज हमें मिलते हैं वो हमारे कल के लिए निर्माण भाई होते हैं। हर रुकावट के पार करने से हम अपने लक्ष्यों की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं। जो संघर्ष आज हमें मिलते हैं वो हमारे कल के लिए निर्माण भाई होते हैं। हर रुकावट के पार करने से हम अपने लक्ष्यों की तरफ एक कदम आगे बढ़ते हैं। जीवन में सबसे बड़ी महिमा गिरते नहीं हर बार उठ जाने में होती है। आगे बढ़ते रहो, सफलता तुम्हारे पास होगी। अपने सपनों की पूर्ति के लिए आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जब तक आप संघर्ष करते रहोगे तब तक आप सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हो। अपने सपनों की पूर्ति के लिए आपको अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। जब तक आप संघर्ष करते रहोगे तब तक आप सफलता के द्वार तक पहुंच सकते हो। अगर आपके सामने असंभव से लगता है तो आप सोचो कि आपके लिए संघर्ष करना क्यों जरूरी है। आप ये सोचते हुए कि सफलता के रास्ते पर संघर्ष से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हो। अगर आपके सामने असंभव से लगता है तो आप सोचो कि आपके लिए संघर्ष करना क्यों जरूरी है। आप ये सोचते हुए कि सफलता के रास्ते पर संघर्ष से आप अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हो। जीवन में संघर्ष ही वह मोटी लकीर है जो सफलता की दिशा दिखाती है। संघर्ष तब ही सफल होता है जब आप निरंतर उसके साथ लड़ते रहते हो। जीवन में संघर्ष ही वह मोटी लकीर है जो सफलता की दिशा दिखाती है। संघर्ष तब ही सफल होता है जब आप निरंतर उसके साथ लड़ते रहते हो।
सफलता का रास्ता संघर्ष से भरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब तक आप संघर्ष करते रहोगे, तब तक आप अपने लक्ष्यों के पास नहीं पहुंच पाओगे। सफलता का रास्ता संघर्ष से भरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। जब तक आप संघर्ष करते रहोगे, तब तक आप अपने लक्ष्यों के पास नहीं पहुंच पाओगे। संघर्ष एक जीत की तरह होता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप संघर्ष को तगड़ाई से सामने लाते हो, तो आप हर मुश्किल से निपट सकते हो। संघर्ष एक जीत की तरह होता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप संघर्ष को तगड़ाई से सामने लाते हो, तो आप हर मुश्किल से निपट सकते हो। अपनी कहानी का हीरो बनिए, किसी और को इसे लिखने न दें। अपनी कहानी का हीरो बनिए, किसी और को इसे लिखने न दें। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता भी जीवन नष्ट नहीं करती। महत्वपूर्ण है जो जीवन में आगे बढ़ता है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता भी जीवन नष्ट नहीं करती। महत्वपूर्ण है जो जीवन में आगे बढ़ता है। खुद पर विश्वास करें, और जो आप हैं उसमें कुछ ऐसा होता है जो किसी भी बाधा से बड़ा होता है। खुद पर विश्वास करें, और जो आप हैं उसमें कुछ ऐसा होता है जो किसी भी बाधा से बड़ा होता है। यह मुद्दा नहीं है कि आप कितना कड़ा मार पाते हैं, यह मुद्दा है कि आप कितना कड़ा मार खा सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। यह मुद्दा नहीं है कि आप कितना कड़ा मार पाते हैं, यह मुद्दा है कि आप कितना कड़ा मार खा सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शान नहीं है कि कभी नहीं गिरा, बल्कि हर बार उठ खड़ा होना। जीवन में सबसे बड़ी शान नहीं है कि कभी नहीं गिरा, बल्कि हर बार उठ खड़ा होना। चाहे जितना भी कठिन पिछला हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। चाहे जितना भी कठिन पिछला हो, आप हमेशा एक नई शुरुआत कर सकते हैं। कल की समझौता आज की समर्थन होगी, कल की समझौता आज की समर्थन होगी। आप खेलने से डरे नहीं, स्ट्राइक आउट होने से डरे। आप खेलने से डरे नहीं, स्ट्राइक आउट होने से डरे। सफलता सिर्फ सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है, बल्कि आप कल के आपसे बेहतर होने के बारे में है। सफलता सिर्फ सबसे अच्छा होने के बारे में नहीं है, बल्कि आप कल के आपसे बेहतर होने के बारे में है। जीवन में सफल होने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा, इससे आप अपनी असीमित क्षमताओं को पहचान पाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए आपको संघर्ष का सामना करना होगा, इससे आप अपनी असीमित क्षमताओं को पहचान पाएंगे। किसी भी चुनौती का सामना करने से डरना नहीं, बल्कि उससे डरने वालों से भीड़ में निकलें। किसी भी चुनौती का सामना करने से डरना नहीं, बल्कि उससे डरने वालों से भीड़ में निकलें। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ मानसिकता और शारीरिक दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ मानसिकता और शारीरिक दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। निरंतर प्रयास करने से आप अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और जीवन में नए मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। निरंतर प्रयास करने से आप अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं और जीवन में नए मंजिलों को हासिल कर सकते हैं। जीवन का सफर कितना भी मुश्किल हो, हमें अपने सपनों और मंजिलों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनके लिए जीवन भर संघर्ष करना चाहिए। जीवन का सफर कितना भी मुश्किल हो,
हमें अपने सपनों और मंजिलों को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उनके लिए जीवन भर संघर्ष करना चाहिए। वह विश्वास करती थी कि वह कर सकती है, इसलिए उसने किया। वह विश्वास करती थी कि वह कर सकती है, इसलिए उसने किया। एक लड़की दो चीजें होनी चाहिए, वह जो वह है और वह जो वह चाहती है। एक लड़की दो चीजें होनी चाहिए, वह जो वह है और वह जो वह चाहती है। किसी को अपनी चमक नहीं धुलने देना चाहिए, किसी को अपनी चमक नहीं धुलने देना चाहिए। तुम सबसे टकराने के लिए काफी मजबूत हो, तुम सबसे टकराने के लिए काफी मजबूत हो। वह तूफान में खड़ी थी और जब हवा उसे उड़ान नहीं दे सकी तो उसने अपनी जहाजी बदल दी। वह तूफान में खड़ी थी और जब हवा उसे उड़ान नहीं दे सकी तो उसने अपनी जहाजी बदल दी। कल के साकार होने की हमारी सबसे बड़ी सीमा आज के शकों में होगी। कल के साकार होने की हमारी सबसे बड़ी सीमा आज के शकों में होगी। वह महिला बने जो दूसरी महिलाओं को अपना खेल बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। वह महिला बने जो दूसरी महिलाओं को अपना खेल बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। जिंदगी कठिन होती है, लेकिन तुम भी उतनी ही मजबूत हो। जिंदगी कठिन होती है, लेकिन तुम भी उतनी ही मजबूत हो। वह विश्वास करती थी कि वह कर सकती है, इसलिए उसने किया, लेकिन उसने अकेले नहीं किया। वह विश्वास करती थी कि वह कर सकती है, इसलिए उसने किया, लेकिन उसने अकेले नहीं किया।